Hey guys, welcome back. द so टूडे today's क्यू कार्ड इज़ डिस्क्राइब एन इम्पॉर्टेंट plant इन योर कंट्री दिस इज़ वन ऑफ द important क्यू कार्ड सो इसके बारे में मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई हुई थी वो है डिस्क्राइब आ रिलीजियस plant. तो वहाँ पे मैंने बैसल की बात की थी जो कि तुलसी होती है तो यहाँ पे मैं अलग आइडिया ले रही हूँ तो अगर आपने वो भी आइडिया यूज़ करना है यू कैन यूज़ दैट आइडिया इन दिस क्यू कार्ड एज वेल सो वट इट इज़ क्या है वो प्लांट एंड वेयर यू सीड कहाँ पे आपने देखा व्हाट इट लुक्स लाइक कैसा दिखता है और एक्सप्लेन करना है कि ये इंपॉर्टेंट क्यों है सो इसकी जर्नल लाइन लिख सकते हो इंडिया इज़ अ डाइवर्स कंट्री डाइवर्स कंट्री होते है कि जहाँ पे अलग अलग स्टेट्स हैं अलग अलग कल्चर हैं टेस्ट हैं तो यहाँ पे इसलिए हम लोग डाइवर्स कंट्री बोलते हैं देयर आर एम्पल प्लांट्स एम्पल मीन्स मैनी बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं विच आर क्वाइट ए रिनाउंड मीन्स फेमस हैं हैंड क्रूशियल हैं मीन से इंपॉर्टेंट हैं इन माई कंट्री जैसे कि बेसिल हो गया मैंगो हो गया नीम हो गया और ऐसे बहुत सारे हेयर आई वुड लाइक टू शेड सम लाइट ऑन एन इम्पॉर्टेंट प्लांट ऑफ माई कंट्री इट इज नन अदर देन द एलोवेरा सो एलोवेरा प्लांट के बारे में बात करेंगे एलोवेरा इज द मेडिसिनल प्लांट विद एंटी ऑक्सीडेंट एंड एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज ये एक मेडिसिनल प्लांट है कि इसकी एंटी ऑक्सीडेंट और एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती हैं इट कैन बी ग्रोन इन ट्रॉपिकल एंड एरिड क्लाइमेट एरिड क्लाइमेट होता है ड्राई क्लाइमेट सो ड्राई क्लाइमेट जहाँ ट्रॉपिकल होता है जहाँ पे जिसकी जो मिट्टी होती है वो बहुत सारे प्लांट्स उगा सकती है कि नमी वाली होती है इट इज़ अ थिक शॉर्ट स्टेप्ड प्लांट ये एक थिक मतलब कि मोटा शॉर्ट स्टेम्प प्लांट होता है जो कि वाटर स्टोर करता है अपने लीव्स में और इसके लीव्स जो हैं वो नाइनटीन इंचज तक बड़े हो सकते हैं लंबे हो सकते हैं ईच लीफ कंटेन्स आ स्लाइमी टिशू इसमें स्लाइमी टिशू होता है जो कि एक जेल की तरह दिखता है पीपल यूज़ दिस जेल फॉर गेटिंग एम्पल हेल्थ बेनिफिट्स तो लोग बहुत सारे हेल्थ जो बेनिफिट्स है लेने के लिए इसको यूज़ करते हैं आई हैव सीन मैनी टाइम्स दैट पीपल यूज़ एलोवेरा जेल फॉर प्रिवेंटिंग रिंकल्स मैंने काफ़ी बार देखा है कि लोग जो है एलोवेरा की जेल जो है रिंकल से छुटकारा पाने के लिए करते हैं एंड मेक डिफरेंट काइंड ऑफ फेस मास्क और काफ़ी फेस मास्क भी उससे बनाते हैं इसके अलावा ड्वेलर्स ऑफ माई नेशन यूज़ एलोवेरा फॉर हीलिंग बाउंड्स एंड बर्न्स, इंक्लूडिंग बर्न्स। मैंने देखा है ड्वेलर्स ड्वेलर्स होते हैं डेनिजन्स जहाँ आप यहाँ पे नेटिव्स बोल सकते हो जो रहने वाले लोग हैं मेरे नेशन के वो एलोवेरा को जो है वो यूज़ करते हैं जख्म को हील करने के लिए भरने के लिए और जहाँ सनबर्न हो जहाँ किसी भी तरह का कोई बर्न हो तो उसका जो है ट्रीटमेंट करने के लिए एलोवेरा यूज की जाती है एक्चुअली एलोवेरा कम्स इन न्यूमरस फॉर्म्स इन मार्केट जैसे कि जेल हो गया सिर्फ हो गया जूस और कैप्सुल्स इट इज़ यूज इन एम्पल मेडिसन्स टू क्योर मायरड हेल्थ एलिमेंट्स एलिमेंट्स होते हैं डिसीजेज बहुत सारी बीमारियों को क्योर करने के लिए मतलब कि उसका इलाज करने के लिए भी इसको यूज़ किया जाता है जैसे कि डायबिटीज़ हो गया डेंटल रिलेटेड प्रॉब्लम हो गई यहाँ उससे अलावा और भी काफ़ी प्रॉब्लम्स आई केम टू नो अबाउट दिस प्लांट व्हेन आई वाज सो यंग जब मैं बहुत छोटा था तभी मुझे इसका पता चल गया था बिकॉज इट इज़ क्वाइट कॉमन टू ग्रो इन माय नेशन मेरे नेशन में काफ़ी कॉमन है इसको उगाना इवन आई हैव दिस प्लांट इन द बैकयार्ड ऑफ माई बॉड और मेरे घर की जो बैक है वहाँ पर भी ये प्लांट है सो so मुझे काफ़ी पहले से इसके बारे में पता था माई ग्रैंड फादर यूज़ टू टेल मी दैट एलोवेरा यूज़ इज़ क्वाइट बेनिफिशियल फॉर बिकमिंग फिट एज अ फिडल मेरे दादाजी मुझे कहा करते थे कि जो एलोवेरा का जूस होता है वो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होता है अगर हम लोगों ने तंदुरुस्त रहना है तो फिट एज अ विडल मतलब कि फिडल एक तंदुरुस्त और हेल्दी पर्सन बट द कंजप्शन शुड बी लिमिटेड बट इसकी जो कंजप्शन है कहने का मतलब कि जो इसकी मात्रा है पी जाने की जूस वो लिमिटेड होनी चाहिए अदरवाइज इसके साथ डायरिया और स्टमक क्रैम्प्स भी हो सकते हैं टू कैपिटॉल दिस इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट प्लांट ऑफ माई नेशन विच इज़ क्वाइट इम्पॉर्टेंट सो आप ये बोल सकते हो ये एक इम्पॉर्टेंट प्लांट है हमारे नेशन का जहाँ वन ऑफ द मेन प्लांट ऑफ माई नेशन विच इज़ क्वाइटर इन आउ सो ऐसे करके आप इस क्यू कार्ड को डिस्क्राइब कर सकते हो होप यू लाइक दिस वीडियो थैंक यू सो मच हैव के डे